नमस्कार दोस्तों, टैग हिंदी में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूं अंकुर सथवारा। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हिट फिल्म 3 एक्सप्रेस से जो दुनिया का सबसे अच्छा मेरे हिसाब से बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उससे आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं अच्छी खासी। अच्छी खासी से मेरा ये मतलब है कि मेरे जैसी, यानी कि मैं अपने वीडियो में जो भी इफेक्ट्स लगाता हूँ, जो भी टैग्स लगाता हूँ जिस तरह से, और उस तरह की वीडियो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हिट फिल्म 3 लॉन्च कर दिया है मैंने, और यहाँ पे इसकी मेन स्क्रीन अवेलेबल है, यहाँ पे उसका वेब कंटेंट है, और यहाँ पे आप जो भी चीज़ें बाय कर सकते हैं उन सब की लिस्ट है। तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें यहाँ से लेना देना है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे आपने अगर किसी पुराना प्रोजेक्ट वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया हो तो उसे आप यहाँ से फिर से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप फाइल में चले जाइए और यहाँ पे ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे है कि आप कैसे मैक्सिमम अंडू कितने स्टेप तक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी इमेज या फिर प्लेन इंसर्ट करवाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लेंथ टाइमलाइन में क्या होगी, उस टाइप के यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस है। तो उसे आप चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो सजेस्ट करूँगा चेंज करने के लिए, वो ये है कि अगर आपके बाय डिफ़ॉल्ट रैम यूजेस कम है, या फिर आपका पुराना कंप्यूटर या फिर ओल्ड कंप्यूटर हो, वीक कंप्यूटर हो, तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड होती है सॉफ्टवेयर को रैम, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे अंदर सिस्टम में 8GB रैम अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर को अलाउ करता हूँ कि वो 4GB तक की यूज़ कर सकता है। तो क्या होगा कि जो भी आपको प्रीव्यू दिखाई देगा या फिर वीडियो एडिटिंग के वक्त चीज़ें जो काम करेगी वो थोड़ी स्मूथली काम करेगी। उसके बाद यहाँ पे है ऑटो सेव, जिसे आपको चेंज करना चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और साथ में कभी लाइट चली गई या पावर कट होगा तो आपको प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिक सेव हुआ होगा, तो आपको फिर से काम नहीं करना पड़ेगा, तो उसे आप यहां से चेंज कर सकते हैं। यहां पे सॉफ्टवेयर के कुछ शॉर्टकट्स है, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज टू हो जाए, इस सॉफ्टवेयर से अगर आप रोज यूज़ करने लगे तो सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्टकट्स आप यूज़ जितना ज़्यादा करोगे उतना आपका सॉफ्टवेयर का जो भी वीडियो एडिटिंग की स्पीड है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, तो इसे मत भूलिएगा। वैसे मैं आपको काफ़ी जो बेसिक चीज़ों के शॉर्टकट्स होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक्टिवेशन पैनल है, उसका हमें कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे आपने अभी तक कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है या फिर स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ से क्लिक करके आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही वहाँ पे क्लिक लगाएंगे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट सेटिंग पैनल खुल चुका है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। अगर आपका कैमरा 720p यानी कि HD हो तो उस तरह से आप सिलेक्ट कीजिए, अगर फुल HD हो तो उस तरह से इसका टेम्पलेट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं फुल HD 30fps सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आप हाइट, फ्रेम रेट, पिक्सल साइज सारे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो सैंपल भी बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। अब ये रेंडर एंटी इलास्टिक क्या है? ये एक्चुअली आपने इफेक्ट लगाया हो और ऐसा कोई काम हो आपका तो उससे आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, मगर हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए स्टार्ट एडिटिंग, ठीक है। इसके बाद आपके सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड, यानी कि आप यहीं से सारी एडिटिंग या फिर सारी इफेक्ट सब कुछ यहाँ से इस स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें कि यहाँ पे है अपना वीडियो का ट्रिमर, और यहाँ पे आप जो दूसरा बॉक्स देख रहे हैं वो हमारा वीडियो प्रीव्यू, यानी कि आप यहाँ पे टाइमलाइन है जिस पे आप सारी एडिटिंग्स, यानी कि वीडियो को कट करना, इफेक्ट्स डालना, मल्टीपल क्लिप्स डालना, ऑडियो डालना दूसरा, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से सब मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी फाइनल वीडियो आपको प्रीव्यू करेगा वो इस स्क्रीन पे करेगा, यानी कि यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि आपका वीडियो एडिट करने के बाद कैसा दिखेगा, यानी कि आपने कैसा काम किया है, वो सब आपको यहाँ पे देख के टाइमलाइन पे मैनेज करना है। इसके बाद यहाँ पे मीडिया इम्पोर्टर और सारा कंट्रोल यहाँ से होगा। अगर आप कोई भी इफेक्ट इंसर्ट करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी इफेक्ट को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो सब यहाँ से होगा। जो भी क्लिप यहाँ से यहाँ तक जाएगी और यहाँ पे आपको वो क्लिप ट्रिम करनी है, यानी कि आप कोई, यानी कि आपका कोई बड़ा मूवी हो तो उसे आप यहाँ से छोटा कर सकते हो, और यहाँ से क्लिप आपको यहाँ पे टाइमलाइन पर लानी है, और टाइमलाइन पर वो क्लिप मैनेज करते हुए आपको यहाँ पे देखना है,
यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में देखना है कि वो क्लिप कैसी है। तो उस तरह से ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम कोई भी क्लिप यहाँ पे इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो दो तरीके उसके। यहाँ पे आप डबल क्लिक लगा सकते हैं तो आपका ब्राउजिंग विंडो ऑन हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी क्लिप अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मीडिया के बाजू में, तो यहाँ पे मीडिया दिखा रहा है उस पर क्लिक कर देंगे तो भी सेम वही विंडो, ब्राउजिंग विंडो ओपन हो जाएगी और आप एक क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा कि लैपटॉप सजेशन का जो भी वीडियो था वो उसकी रो क्लिप है यहाँ पे मेरे पास। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिप इंसर्ट करोगे तो वो क्लिप आपको यहाँ पे ट्रिमर विंडो में दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप उसे जूम आउट करके देख सकते हैं कि उसकी साइज क्या है, इसकी पिक्सल डेंसिटी क्या है, यानी कि आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्केल टू फिट कर देंगे तो आपको कंप्लीट फुल स्क्रीन में वो क्लिप दिखाई देगी। उसके बाद इस क्लिप का कितना पार्ट आपको टाइमलाइन में इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए ये यहाँ पे स्क्रोलर है, उसे आप जितना ही फिराएंगे या फिर स्पेस बार दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो वो क्लिप प्ले करना शुरू हो जाएगी। तो आपने जैसे तय कर दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे तय कर दिया कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है क्लिप, तो जैसे ही आपने वो तय कर दिया अपने कीबोर्ड में से आई दबा दीजिए। तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी कि यहाँ पे ब्लैक है और उसके बाद का थोड़ा वाइटिश है। तो मतलब कि आपका स्टार्ट पॉइंट तय कर दिया है सॉफ्टवेयर ने। उसके बाद मैं यहाँ पे तय किया कि मुझे एंड पॉइंट यहाँ पे लेना है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे ये वाइट इंडिकेटर दिखा रहा है वहाँ पे मुझे एंड करनी है। तो उसके बाद कीबोर्ड में से उसका शॉर्टकट है ओ, यानी कि आपने जो भी क्लिप लेना चाहते हैं ये पूरा पार्ट उसका कलर चेंज हो चुका है और इसका ब्लैक है और यहाँ पे भी ब्लैक है। तो इसके बाद यही सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आई के लिए यहाँ पे दिया गया है स्टार्टिंग इंडिकेटर और यहाँ पे एंड इंडिकेटर, तो आप देख सकते हैं कि सेट इन पॉइंट और यहाँ पे है सेट आउट पॉइंट। तो उस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी क्लिप जो भी लेना चाहते हो। उसके बाद इस क्लिप को आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये एक बटन है इंसर्ट क्लिप, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है जे। जैसे ही आप वो दबाएंगे तो आपको पहली बार ये पूछ रहा है कि आपकी जो भी क्लिप है उसको यहाँ पे जो हमने सीक्वेंस सेटिंग्स किए थे उसके मेल नहीं खाती है। तो यस दबा दीजिए और ऑटोमेटिक अपने सीक्वेंस का सेटिंग भी अपनी क्लिप की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे यस दबा दीजिए तो क्लिप इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट या उसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी स्क्रीन में क्लिक दबा के और डायरेक्टली यहाँ पे ले जा सकते हैं और कहीं पे टाइमलाइन पर रखना हो वो आप उस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइमलाइन पे फुटेज आ चुका है। तो यहाँ पे हमें एक ग्रीन एरो और रेड एरो दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं क्लिप को अपनी ज़रूरियात के अनुसार, या फिर इसको रिसाइज करना हो या फिर क्रॉप करना हो। जैसे कि मुझे पानी की बॉटल दिखाई दे रही है, मुझे पसंद नहीं है तो मुझे उसे नहीं दिखाना है या फिर जूम करना है क्लिप को। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो वाइट बॉक्स दिख रहा है हर जगह पे होगा, अगर आप जूम करेंगे थोड़ा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी ब्लैक स्क्रीन है वो आपका वीडियो है, जो भी फाइनल रेंडर होगा या फिर फाइनल आपकी MP4 क्लिप अपलोड के लिए या फिर किसी को दिखाने के लिए तैयार होगी, तो इतना आपका वीडियो होगा। तो अगर आप इस क्लिप को जूम इन या फिर जूम आउट करना चाहते हैं या फिर क्रॉप इन क्रॉप आउट करना चाहते हैं तो इसे यहाँ से आप पकड़ के वो कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे डायरेक्टली पकड़ के ऐसे करूँगा तो इसका एस्पेक्ट रेशियो यानी कि जो भी दिख रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जरा ज़्यादा मोटा लग रहा हो। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो जब भी आप अपनी क्लिप को यहाँ से होल्ड करें अपनी क्लिप को दबा के, तो उसके साथ आपको कीबोर्ड में से शिफ्ट दबाना है। तो उसके बाद आप जो भी करेंगे तो वैसा नहीं होगा और आप सक्सेसफुली जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो बॉटल और यहाँ पे कैलेंडर, वो सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी तो वो अब नहीं है वीडियो में। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो हम पीछे फिर से चले जाते हैं पहले की तरह, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रीव्यू विंडो जो भी है उसके सेटिंग्स चेंज करने हैं कि या फिर आपको अलग तरीके से दिखाई दे उस तरह से, तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि स्केल टू फिट तो एग्जैक्टली आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। उसके बाद आपको अगर आपका कंप्यूटर स्लो है
तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड के साथ 8GB रैम है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई कि फुल स्क्रीन में या फिर यहाँ पे जो भी फुल सेटिंग है उसमें मैं एडिट कर सकता हूँ अच्छी तरह से। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, अगर आप वीडियो प्ले करते हैं तो आपको दिख रहा है कि स्मूथली नहीं चल रहा है वीडियो, तो आप मैं अब बताऊँ वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फुल पे चले जाइए, अगर आपको लगे कि आपका कंप्यूटर ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है तो इसे हाफ कर दीजिए। इसका मतलब है कि आपका जो भी फुल रिजोल्यूशन है उसका यहाँ पे आपको प्रीव्यू में हाफ रिजोल्यूशन करके दिखाएगा, यानी कि आप अच्छी तरह से और स्मूथली वीडियो एडिटिंग कर सके। अगर आपको लगे कि हाफ में भी चिपक रहा है अपना कंप्यूटर तो क्वार्टर कर दीजिए और उसके बाद एकदम स्मूथली वर्क करेगा। आपको क्वालिटी थोड़ी यहाँ पे ख़राब दिखाई देगी मगर चिंता मत कीजिए, फाइनल वीडियो रेंडर करेंगे तो वो उस सेटिंग के मुताबिक करेगा, यानी कि आपने जो भी अच्छी तरह से शूट किया है अच्छी क्वालिटी में तो फाइनल वीडियो तो आपका वैसा ही बनेगा, मगर यहाँ पे आप एडिटिंग करते वक्त स्मूथली कर सके उस तरह से सेटिंग दिए गए हैं तो उसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अपना, मतलब कि जब क्लिप ना हो तो आप इतना ही पोर्शन दिखाना चाहे तो ये पार्ट आपका कितना दिखेगा, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वीडियो को कट कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ पोर्शन यहाँ से रिमूव करना हो अपने वीडियो में तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं, उससे आपकी पूरी वीडियो एडिटिंग होने वाली है तो उसे हमें सीख लेना ज़रूरी लगता है। वैसे कुछ टूल्स आपको कभी काम नहीं आएंगे मगर कुछ टूल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये सिलेक्टिंग टूल और यहाँ पे है कि स्लाइस टूल। स्लाइस टूल यानी कि आप इस स्लाइस टूल से कट कर सकते हैं, अपने वीडियो के कोई भी पोर्शन को दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है सी, अगर आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से सी दबाते हैं तो आपका वो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको यहां पे कट लगाना है तो जैसे ही आप माउस उसके नज़दीक ले जाएंगे आप देख सकते हैं ये लाइन रेड हो चुकी है, उसका कलर चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपकी क्लिक थोड़ी साइड में होगी फिर भी उस रेड लाइन पे कट लग जाएगा, तो यहाँ पे कट लग चुका है। उसके बाद वी दबा दीजिए या फिर सिलेक्शन टूल फिर से दबा दीजिए, सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट कीबोर्ड का है वी, तो उसके बाद आप क्लिप को मूव कर सकते हैं और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे आपको दूसरा कट लगाना है और उसके बाद आपको ये पोर्शन पूरा रिमूव करना है, तो उसके लिए आप फिर से सी दबा दीजिए और यहाँ पे फिर से कट लगा दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि फिर से कट लगाने से ये पार्ट मतलब कि पूरा विभाजित हो चुका है दो क्लिपों में। और यहाँ पे से आप अपनी टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, अगर छोटे पोर्शन में आप काम करना चाहते हैं तो उस तरह से आप कर सके, उस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप चाहते हैं कि मुझे ये पोर्शन रिमूव करना है तो उसे सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद उसे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसे पकड़ के यहाँ पे आप ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक लगाए तो रिपीट डिलीट गैप का ऑप्शन आएगा, तो वो करेंगे तो भी सेम चीज़ हो जाएगी और गैप नहीं रहेगी बीच में। उसके बाद है स्लिप टूल, इसका यूज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी क्लिप की पहली क्लिप की एंडिंग यहीं पे रखे और दूसरी क्लिप की स्टार्टिंग और एंडिंग चेंज करते जाए मगर आपको वीडियो की लेंथ इतनी एग्जैक्टली फाइनल करनी है तो स्लिप टूल आप यूज़ कर सकते हैं, और उससे आप जैसे ही हिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसकी ऊपर की क्लिप है यहाँ पे वो सेम रहती है मगर यहाँ पे दो क्लिप आप चेंज होती हुई देख सकते हैं, देखिए फिर से, तो इसका मतलब है कि अपनी दूसरी क्लिप का एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट चेंज हो रहा है जैसे ही आप यहाँ पे स्लिप करवाएंगे मगर वीडियो की फुल लेंथ सेम होती है। अगर आपको उस टाइप की एडिटिंग करनी है तो आप स्लिप टूल से कर सकते हैं मगर जनरली और रियल प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कभी स्लिप टूल यूज़ नहीं किया है। उसके बाद है स्लाइड टूल, तो स्लाइड टूल से आप अपनी पहली क्लिप की लेंथ चेंज कर सकते हैं और दूसरी क्लिप की लेंथ उसी तरह से रहेगी मगर रियल लाइफ में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, रियल लाइफ में यूज़ होता है ये सिलेक्शन टूल और कट टूल, अगर आप यहाँ पे कट लगाना चाहे और इस पोर्शन को डिलीट करना चाहे उस तरह से। इसके बाद है रोल एडिट टूल, तो रोल एडिट टूल में क्या होगा, आप अपनी दोनों क्लिप की लेंथ चेंज कर सकते हैं अल्टरनेटिवली मगर फाइनल वीडियो की लेंथ वही रहेगी, तो उस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप प्रीव्यू विंडो में दो क्लिप देख रहे हैं, पहली क्लिप आपको पहली
क्लिप की स्टार्टिंग दिखा रही है और एंड दिखा रही है। उसके बाद अगर आप मल्टीपल वीडियो क्लिप में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करवाता हूँ, तो आप यहाँ पे इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप डबल क्लिक लगाइए और यहाँ पे कोई भी इमेज सिलेक्ट कर दीजिए। डबल क्लिक लगाने से यहाँ पे इमेज इंसर्ट हो गया है, यानी कि ये मीडिया विंडो है उसके अंदर इमेज सिलेक्ट हुआ है। अगर आप टाइमलाइन में लाना चाहते हैं तो इसे पकड़ के डायरेक्टली ड्रैग करवा सकते हैं टाइमलाइन में। अब यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि इमेज आ गई है। उसके बाद अगर आपको इमेज को मूव करवाना हो या फिर इस पोर्शन में लगाना हो, इस पोर्शन में लगाना हो, तो इमेज पर डबल क्लिक कर दीजिए और डायरेक्टली इसे उस जगह पर सेट कर दीजिए, तो इमेज उस तरह से सेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इमेज का लेंथ चेंज करना है, कुछ पोर्शन में ही लगाना है, तो यहाँ से आप उतने ही पोर्शन में इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस पार्ट्स में इमेज इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद अगर आप मल्टीपल क्लिप में काम कर रहे हैं या फिर टाइमलाइन में मल्टीपल वीडियो क्लिप में काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे इमेज भी है और एक वीडियो क्लिप भी है, अगर आप चाहते हो या फिर टेस्ट करना चाहते हो कि कैसा दिखेगा इमेज के साथ और अगर इमेज नहीं होगी तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी आँख का निशान, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेम्पररीली इमेज हट जाएगी, या फिर इसे वीडियो म्यूटिंग भी कहते हैं। जैसे कि ऑडियो म्यूट करते हैं तो आवाज़ नहीं आती, उस तरह से वीडियो की क्लिप को म्यूट करते हैं तो वीडियो गायब हो जाता है उस तरह से। तो उस तरह से भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि अगर क्लिप डालेंगे तो कैसा दिखेगा, नहीं डालेंगे तो कैसा दिखेगा उस तरह से। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऑडियो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे आप बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहे, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप एग्जैक्टली सेम क्लिप को वैसे ही सुनेंगे तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है, तो मैं हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक डालता हूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट की नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, उस तरह से आप यहाँ पे जो भी ऑडियो क्लिप नीचे देख रहे हैं उसमें आप एक एक्स्ट्रा ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक दे रहा हूँ और यहाँ पे एक अच्छा सा ऑडियो या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक हम ढूंढते हैं, उसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने म्यूजिक इंसर्ट करवा लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा म्यूजिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ पोर्शन ही लेना हो, तो आप जैसे यहाँ पे वीडियो क्लिप एडिट की थी, ऑलरेडी ट्रिम की थी वीडियो क्लिप, उसी तरह से ऑडियो क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही उसे इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ओवरलैप मत कीजिए, यहाँ पे नीचे अलग एक ट्रैक में उसे दूसरे ऑडियो की तरह इंसर्ट करवाइए। उसके बाद आप सुनेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप मुझे नहीं सुन पा रहे, आपको ऑडियो क्लिप की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ये ऑडियो ट्रैक या फिर किसी भी ऑडियो ट्रैक की आवाज़ कम करनी हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो टाइमलाइन में से आप शॉर्ट में एडिट करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही ये वाइट पट्टी देख रहे हैं बीच में, तो उसे पकड़कर नीचे ले जा सकते हैं। नीचे ले जाने का मतलब है कि उसकी ऑडियो कम हो रही है। इसके बाद आप सुन के देखिए, तो अब ऑडियो शायद कम हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो उस तरह से आप काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलरली एग्जैक्टली ऑडियो कम करनी है उसकी, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस पोर्शन में यहाँ पे कंट्रोल में जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑडियो लेवल कितना कम करना है उस तरह का सेटिंग दिया गया है, और वाइट पट्टी भी उसकी तरह यानी कि ऊपर नीचे जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑडियो कैसे कम करना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप क्लिप को डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे स्टिल नहीं रखना चाहते, वो घूमती हुई आए या फिर किसी साइड से आए, उस तरह से आप उसमें इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, तो वो आप इफ़ेक्ट कैसे डाल सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर वीडियो क्लिप में। तो मैं चाहता हूँ कि ये इमेज यहाँ से होकर यहाँ तक आए और क्लिप चालू हो, वीडियो चालू हो और यहाँ से यहाँ तक आए, तो अच्छा लगेगा। तो उस तरह से आप उसमें इफ़ेक्ट कैसे डाल सकते हैं कोई भी इमेज में या फिर वीडियो क्लिप में, तो पहले आपको वो कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं वो इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट में जाना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो इफ़ेक्ट सिलेक्ट कर दीजिए और कोई भी इफ़ेक्ट चूज़ कर लीजिए वीडियो ट्रांजेक्शन की। तो मैं पुश इफ़ेक्ट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ पुश, और यहाँ पे पुश इफ़ेक्ट दिखा रही है मोशन में, तो उसे पकड़ के डायरेक्टली आप यहाँ पे स्टार्टिंग में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे रख देनी है क्लिप को। तो आप देख सकते हैं कि इमेज में वो इफ़ेक्ट आ चुकी है, अब मोशन में इमेज इंसर्ट हो रही है वीडियो क्लिप में। मगर आपने सोचा था कि ये इमेज यहाँ से यहाँ तक आएगी, ना कि यहाँ से यहाँ तक,
तो उसे आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप इफेक्ट देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से ये चिन्ह आ चुका है, ये वो इफेक्ट का है, तो उस इफेक्ट को पर्टिकुलर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लाइव साइड पे कंट्रोल में चले जाइए और यहाँ पे आपको जो भी इफेक्ट हमने इंसर्ट करवाएगी, यहाँ पे आपने मल्टीपल मोशन या फिर इफेक्ट इंसर्ट करवाएगी तो अलग अलग भी दिखाएगा यहाँ पर, मगर मैंने पूसी इफेक्ट इंसर्ट करवाई है तो उसकी आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है। अभी इमेज राइट साइड से आता है तो आप लेफ्ट साइड से सिलेक्ट कर दीजिए सिंपली, और ये इमेज लेफ्ट साइड से आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी फास्ट आए तो आप यहाँ से इस इफेक्ट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली पकड़ कर, मगर यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट होना चाहिए, ना कि कोई कट टूल या फिर स्लिप टूल। तो वो सिलेक्ट होगा तो आप इफेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे से फास्ट कर सकते हैं इसे। अब आप देखिए प्रीव्यू की वो इमेज फास्ट में इंसर्ट होगी, तो उस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमेज मोशन में अंदर आए और मोशन में गायब भी हो जाए तो आपको क्या करना होगा, इफेक्ट में जाके पुश इफेक्ट यहाँ पे एंड में भी इंसर्ट करवानी होगी। इसकी स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इमेज मोशन में इफेक्ट से अंदर आ रही है और बाहर भी इफेक्ट से जा रही है। तो उस तरह से आप कोई भी क्लिप में या फिर ऑब्जेक्ट में इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी क्लिप इंसर्ट किए या फिर ऑडियो क्लिप, उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो म्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कोई भी म्यूजिक ट्रैक नहीं चाहते हैं तो उस तरह से कर सकते हैं आप। तो और कुछ चीज़ें मैं आपको ध्यान में लेना चाहूँगा, वो ये है कि ये स्नैप टूल, इसे स्नैपिंग भी कहते हैं और स्नैप टूल भी कहते हैं, तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा तो ये किस लिए, ये आपको कैसे मदद कर सकता है वीडियो एडिटिंग में। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे ध्यान में रखना ज़रूरी है आपको। तो जैसे ही आप कोई क्लिप यहाँ से यहाँ तक लाते और चाहते हैं कि आप यहाँ से दूसरी आगे वाली क्लिप को छू जाए यार एग्जैक्टली गैप ना रह जाए, तो आप देख सकते हैं थोड़ी आप नज़दीक लाएंगे उस क्लिप को तो ऑटोमेटिक क्लिप यहाँ से जॉइंट हो जाती है, जैसे कि अगली क्लिप में कोई मैग्नेट हो उस तरह से आप। और ये वाइट पट्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो कैसे होता है, वो ये स्नैप टूल से होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सच में इसमें गैप रखना चाहते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ी सी, तो आप रख नहीं सकते, मगर यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट स्नैप टूल बंद कर देंगे तो उसके बाद आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा कि यहाँ पे आपका पास आ चुका है और चिपक जाएगा या फिर मैग्नेट की तरह नज़दीक ले लेगा, गैप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, उस तरह से नहीं होगा। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं या फिर थोड़ी गैप भी रख सकते हैं। अगर ये चालू होगा तो आप थोड़ी सी गैप नहीं रख सकते, आप जैसे ही नज़दीक लाएंगे वो चिपक जाएगा। तो उस तरह से आपको स्नैपिंग टूल एडिटिंग में काफ़ी मदद रूप बन सकता है। इसके बाद आप अपने वीडियो में टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे कि मैं अपने क्लिप में हमेशा टेक्स्ट डालता हूँ, आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं भूल गया हूँ वीडियो के वक्त बोलना, तो उस तरह से आप टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं अपने वीडियो क्लिप में। तो इस पोर्शन में आइए आप और यहाँ पे न्यू पर क्लिक कीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, कंपोजिट शॉट और प्लान। तो प्लान क्या है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप प्लान इंसर्ट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप कोई भी बैकग्राउंड या फिर कोई भी सॉलिड कलर इंसर्ट करना चाहिए या फिर क्यूब इंसर्ट करना चाहे, तो मैं यहाँ पे ब्लैक सॉलिड इंसर्ट करना चाहता हूँ। इसकी आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं यहाँ से कि कितनी साइज़ का होगा, तो ये आ गया है यहाँ पे। अगर आप कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं इंसर्ट करवाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इस एरिया में वो इंसर्ट होगा, और इसे आपको पकड़ के यहाँ पे टाइमलाइन पे इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी स्क्रीन में ब्लैक हो चुका है, और इसे आप जैसे मैंने वीडियो क्लिप में बताया कि यहाँ पे जो स्क्वायर है हर एक कॉर्नर पे, उसे आप पकड़ के इसे रिसाइज कर सकते हैं और कहीं पर भी रख सकते हैं। तो उस तरह से आप इसमें प्लान इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो न्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कंपोजिट शॉट यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसे सिलेक्ट करना है। इसका शॉर्टकट भी है कीबोर्ड शिफ्ट एन। तो न्यू करके कंपोजिट शॉट जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन हो जाएगी। इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, कुछ चेंज मत कीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन पर कि ब्लैक हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटर के साइड में कंपोजिट शॉट वन का एक और टैब आ चुका है, यानी कि आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट डालने हैं और यहाँ पे एडिटर में वो आ जाएंगे, आप लाना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट या फिर ऑटोमेटिक नहीं आ जाएंगे, मगर यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट क्रिएट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट की बाय डिफॉल्ट साइज पूछ रहा है कि आप कितनी साइज के टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं या फिर जो भी अपना टेक्स्ट का विंडो होगा वो कितनी साइज का होगा। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट HD वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ओके दबा दीजिए। उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो चुका, आप देख सकते हैं। तो उसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो गाइस। अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को आप मूव करना चाहे तो यहाँ से आप सिलेक्ट टूल पे चले जाइए, पर्टिकुलर इसके यहाँ पे सिलेक्ट टूल में, और इसे आप पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं और फिर से आप टेक्स्ट पे आ जाएंगे तो आप फिर से एडिट कर सकते हैं। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहे या फिर साइज चेंज करना चाहे तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे जो पोर्शन खुला है उसमें आप टेक्स्ट में चले जाइए, यहाँ पे जो लास्ट है टेक्स्ट। तो यहाँ से आप टेक्स्ट टैब में होगे तो आप अपने जो भी लिख रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं टेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना हो, ब्लैक करना हो तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, मगर ब्लैक दिख नहीं रहा है अभी, मगर हमारी क्लिप थोड़ी वाइट है तो उसमें दिख सकता है वैसे, मगर मैं यहाँ पे अलग कलर चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, अगर आपको अलग अलग फॉन्ट यूज़ करने हो तो भी आप कर सकते हैं, और इसे आप बोल्ड बनाना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ से साइज भी उसकी कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे मिडल में आना चाहिए उस तरह से। तो यहाँ पे टैग्स हमारे इंसर्ट हो चुके हैं, तो उसे आप अपनी वीडियो क्लिप में कैसे ले जाएंगे, तो आप यहाँ से फिर से वीडियो एडिटर में आ जाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने जो लेफ्ट वाला मेनू है यहाँ पे मीडिया में आपको कंपोजिट शॉर्ट वन दिखाई दे रहा है, तो उसे सिलेक्ट करके आप जो भी पोर्शन में टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं उस टाइप पे यहाँ से टाइमलाइन में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट करवा दिया है, तो आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑडियो था बैकग्राउंड उसमें ये कंपोजिट शॉर्ट दखलगिरी कर रहा है या फिर ऐड कर रहा है अपना ऑडियो पोर्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक गायब हो चुका है। तो उस तरह से ना, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ टाइमलाइन में जाके कोई एक और एक्स्ट्रा वीडियो क्लिप या फिर वीडियो ट्रैक इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ पे नीचे से भी एक्स्ट्रा ट्रैक इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना जो भी कंपोजिशन या फिर टैक्स या फिर कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाहे तो उसे आप उस न्यू ट्रैक में इंसर्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ऑडियो को वो दखलगिरी नहीं कर रहा है और नए ट्रैक में वो ऐड हो चुका है, तो अब बैकग्राउंड म्यूजिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक को भी। और यहाँ पे टैक्स ऐड हो चुके हैं, अगर यहाँ से भी आप टैक्स को बाजू में या फिर साइड में ले जाना चाहे तो कर सकते हैं। तो टैक्स को आप चाहते हैं कि वो सिंपली ऐसे ना आ जाए और कोई इफेक्ट में आए, तो जैसे ही हमने यहाँ पे हमारे फोटो में जो भी इफेक्ट डाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो जिस तरह से स्टाइल में आता है तो आप चाहते हैं कि टेक्स्ट भी उसी कोई स्टाइल में आए, तो सेम उसी तरह से काम करना है आपको, वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे इंसर्ट करवा देनी है। और आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट भी अब मूव करके आ रहा है, स्टाइल में आ रहा है, इंटरेस्टिंग तरीके से आ रहा है। इसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो क्लिप में लोगो इंसर्ट करवा सके, तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए लोगो इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ पे मैं अपना टेक हिंदी का लोगो इंसर्ट करवाता हूँ, तो ये लोगो हमारा देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे और एक इंसर्ट कर दीजिए ट्रैक और लोगो को इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो लोगो को हम पकड़ के छोटा कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हमेशा लोगो रखना चाहता हूँ, यहाँ पे या फिर कोई कॉर्नर में ऊपर की तरफ में यहाँ पे लोगो रखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अपना लोगो इतना ना दिखे, काफ़ी क्लिप्स में आपने देखा होगा कि लोगो एकदम आपको स्लाइडली दिख रहा हो, इतना ब्राइट ना दिख रहा हो, तो वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्लिप की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए उस क्लिप को या फिर पोर्शन को या फिर पर्टिकुलर जो भी आपने इंसर्ट करवाया है, और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे उसके कंट्रोल में चले जाइए और यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी आप कैसे चेंज कर सकते हैं क्लिप की या फिर कोई भी फोटो की। तो अगर आपको
उसकी ओपासिटी चेंज करनी है, यानी कि वो आपको थोड़ा ही दिखे, इतना ज़्यादा ब्राइट ना दिखे, तो उसे ओपासिटी बोलते हैं। तो उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही लाइट होता जा रहा है, और एग्जैक्टली आपको इस तरह की ओपासिटी या इस तरह का दिखाना है तो काफ़ी कूल लगेगा। तो उस तरह से आप कर सकते हैं, लोगो इंसर्ट कर सकते हैं अपने अंदर। और लोगो आपको स्टाइल में लाना हो तो उस तरह से आप यहाँ पे उसके अंदर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। काफ़ी सारी इफेक्ट्स अवेलेबल है, लगभग थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स इफेक्ट्स अवेलेबल है फ्री, तो आप उसे अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप लोगो इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी क्लिप में। तो उसके बाद आपने सोच लिया है कि अपनी क्लिप उस तरह से आपने डिज़ाइन कर ली है, आपको जिस तरह से बनानी थी उस तरह से, और आपने सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग कट्स लगा के, या फिर आपने अलग अलग पोर्शन को आपको नहीं चाहिए था उस तरह से रिमूव कर दिया है, और उस तरह से आपने फाइनल क्लिप देख ली है, प्रीव्यू देख लिया है दो तीन बार की कितनी आपको चाहिए और कितना आपने परफेक्ट एडिट किया है कि नहीं। और उसके बाद आप चाहेंगे कि उसकी कोई भी पर्टिकुलर एक्सटेंशन में MP4 में आपको मूवी क्रिएट करनी है, तो उसे अब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, MP4 बनाना चाहते हैं, ताकि आप अपने दोस्तों को दिखा सके या फिर YouTube जैसी वेबसाइट में आप अपलोड कर सके। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट सेक्शन में चले जाइए ऊपर से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पहला बाय डिफॉल्ट ऑप्शन YouTube का दिखाएगा कि अगर आप यहाँ से अपना अकाउंट ऐड करना चाहते हैं। तो एक्चुअली ये फीचर मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप यहाँ से अपलोड कीजिए। तो आपको यहाँ पे दूसरे में जाना है, H264। ये एक्चुअली वीडियो का फॉर्मेट है, तो YouTube भी यही फॉर्मेट में हमें एंकोड करने की सलाह देता है, तो उसे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि टाइमलाइन एडिटर, यानी कि दो ऑप्शन आपको दिखा रहा है, कंपोजिट शॉर्ट वन और एडिटर। और यहाँ पे एडिट में आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर इस टैब में पूरा वीडियो एडिट किया है, तो आपका वही ऑप्शन सिलेक्ट हो, ना कि कंपोजिट शॉर्ट जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही है, तो उसमें आप एडिटर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एक्सपोर्ट एरिया, यानी कि उसे बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, कंटेंट एरिया यानी कि जितना टाइम यहाँ पे हमारा कंटेंट है उतनी ही क्लिप रेंडर होगी, तो यहाँ पे कंटेंट एरिया ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहने दीजिए। और यहाँ पे आपको क्लिप की लेंथ दिखाई देगी कि 2 मिनट और 25 सेकेंड उस तरह से, तो उतनी ही हमारी क्लिप है तो उतनी ही रहने दीजिए, और उसे यहाँ से कोई एडिट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो प्रॉपर्टी आपको दिखा रही है, तो मेरी जो ये जो क्लिप थी वो 720p थी एक्चुअली, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो दिखा देगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि एडिटिंग आप अलग में करना चाहे, रेंडर आप अलग अलग में करना चाहे, जैसे कि फेसबुक में आपको छोटी साइज़ या फिर व्हाट्सअप में आपको छोटी साइज़ में वीडियो रेंडर करनी है, तो उस तरह से आप यहाँ से उसकी साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हमें फुल जो अवेलेबल है वही रखनी है, तो उस तरह से मैंने सिलेक्ट की हुई है। यहाँ से आप फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल में आप चेंज कर सकते हैं कि हाई प्रोफाइल चेंज करनी है या फिर मीडियम या फिर बेस लाइन, तो यहाँ पे मैं हाई सिलेक्ट कर रहा हूँ फुल क्वालिटी में। उसके बाद लेवल भी चेंज कर सकते हैं, तो अगर आपको इस सेटिंग में कुछ ज़्यादा अंदाजा ना हो या फिर पता ना हो, तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, जो भी आपको पहले आपको दिखाई देता है उस तरह से। इसके बाद यहाँ पे है टारगेट बीट रेट। बीट रेट ये चीज़ है कि आपकी वीडियो की साइज़ फाइनली क्या होगी, वो है बीट रेट। 10 Mbps यानी कि एक सेकंड में कितनी Mbps बीट रेट आपको मिल सकती है, तो उसके सेटिंग है। तो अगर आपको फुल क्वालिटी में 1080 की क्लिप है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप 8 रहने दें, यानी कि टारगेटेड 8 Mbps। यहाँ पे मैक्सिमम बीट रेट जो भी होगा उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर यहाँ पे आपको 8 सिलेक्ट करनी है अगर फुल HD वीडियो हो तो। मगर यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मेरा है 720p यानी फुल HD नहीं है, HD है, तो उसे आप 5 या फिर 7 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो वीडियो साइज़ बड़ी होगी, और उस तरह से आप साइज़ सिलेक्ट कीजिए अपनी तरह से। अगर आपका इंटरनेट स्लो हो तो छोटी रखिए साइज़। और यहाँ पे ऑडियो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, तो उसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं कि 192 kbps, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो अपना जो भी आप वीडियो क्लिप का नाम रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो उस तरह से आप रख सकते हैं। और उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए, तो अपना वीडियो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वीडियो क्लिप MP4 में बनना ही स्टार्ट हो जाएगी।
और ये स्पीड बनने की डिपेंड करती है अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। अगर आपके पास Core i7 ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा तो ये सिर्फ 10 सेकंड में आपकी वीडियो क्लिप क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरा Core i3 है, छोटा सा ग्राफिक कार्ड है, बहुत अच्छा नहीं है, तो 2 मिनट तक लग सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर स्लो होगा तो ये टाइम आपको वेरी दिखाई देगा, 30 मिनट तक लग सकता है इसमें वीडियो बनने में या फिर रेंडर होने में। तो इसे एक्सपोर्टिंग भी कह सकते हैं, रेंडरिंग भी कह सकते हैं, कि मतलब कि वीडियो एडिटिंग के बाद फाइनल अपनी क्लिप बनती है, उस प्रोसेस को रेंडरिंग कहा जाता है। और इसके लिए अपना कंप्यूटर अच्छा हो, अपना प्रोसेसर अच्छा हो। मैंने वीडियो बनाई है कि आपको कौन सा प्रोसेसर किस तरह से चूज़ करना चाहिए, कौन सा ग्राफिक कार्ड चूज़ करना चाहिए, उस तरह से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको इस टाइप के वीडियो में इंटरेस्ट हो, कंप्यूटर बिल्डअप में इंटरेस्ट हो, तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसा वीडियो बनाता हूँ और रोज़ डेली आपको हमारी चैनल पे एक नया वीडियो देख सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट कम्प्लीट, और उसने टाइम लगाया है सिर्फ 1 मिनट और 27 सेकंड, और स्टार्ट कब किया था वो सब। और यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली और सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं अपनी क्लिप कैसी बनी है उस तरह से। तो प्ले कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने एडिटिंग की थी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे लोगो हमने इंसर्ट किया था, टेक्स्ट इंसर्ट किया था, तो उस तरह से हमारा एडिटिंग हो चुका है अब। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी अच्छी स्पीड है ये सॉफ्टवेयर की, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में भी ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। और लास्ट में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा टाइम बिताए, 1 घंटे एडिटिंग करें, अगर आपकी बड़ी क्लिप हो, अगर आप चाहते हैं कि उसे आप सेव कर दे और बाद में कंटिन्यू आप एडिट करना चाहते हैं, तो फाइल में जाके आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फाइल सेव कर दीजिए। यहाँ पे मैं टेस्ट करके सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे hitfilmproject.hfp में फाइल सेव होगी। तो सेव हो चुकी है फाइल। अगर आप इसे क्लोज कर देंगे बाय डिफॉल्ट, या फिर अपनी लाइट चली गई, पावर कट हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आपकी फाइल सेव रहेगी। और जैसे ही आप हिट फिल्म फिर से ओपन करते हैं, तो मैंने जैसे पहले ऑप्शन दिखाया था ये वाला ओपन वाला, तो वहां से आप अपनी ये फाइल पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे सेव हुई है। तो इसे जैसे ही ओपन करते हैं, आपने जितनी एडिटिंग की होगी या फिर जितना भी काम किया होगा वो सारा सेव हो जाएगा, और काम आप फिर से यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं अपना। तो ये एक चीज़ थी आपको ध्यान रखने की। मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, या फिर अगर आप और भी ट्यूटोरियल चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये नहीं बताया कि आप बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक सिंगल कलर में शूट करना पड़ेगा, ग्रीन पर्दा हो पीछे उस तरह से शूट करना पड़ेगा। अगर आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि अगर आप जिसको क्रोमा की या फिर कीयर कलर इफेक्ट के बारे में पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, या फिर बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर पीछे कोई मूवी या फिर ट्रेलर आ जाए, या फिर अगर आप अपनी अपने आप को कहीं और पे ले जाना चाहते हैं, जैसे कि आप घर बैठे बैठे ही बोल रहे हो मगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि आप कोई बीच पर अच्छी जगह पे शूट कर रहे हो, तो उस टाइप की वीडियो एडिटिंग कैसे होती है वो भी मैं ट्यूटोरियल श्योर मुझे खुशी होगी आपके लिए बनाने में। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा हो सके उतना बहुत हेल्प मिलेगी हमें अपने लिए ट्यूटोरियल्स बनाने में, और चैनल या फिर कम्युनिटी भी ग्रोथ होगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और कमेंट भी कीजिएगा कैसा बना है वीडियो, मैं आपको पूरी तरह समझा सका हूँ कि नहीं, या फिर कुछ चीज़ें छूट चुकी है। वैसे काफ़ी सारे सेटिंग और भी है मगर आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने देने चाहिए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो वो आपके लिए एक परफेक्ट सेटिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, हो सके उतना शेयर कीजिए। हमारा अगला फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वाला भी, वो आपने बहुत लाइक किया है, मुझे बहुत खुशी हुई दिल से कि हमें आप जिस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मैं अंकुर सतवार आपको मिलता हूँ अगले नेक्स्ट एक और अच्छे टेक वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।